भारत के सादिक उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी साहब इस सभा में मौजूद श्री नीतीश कुमार जी, शाहब की सुपुत्री तरमीन और इकबाल साहब, आपने मुझे ये पहला शहाबुद्दीन मेमोरियल लेक्चर देने के लिए जो दावत दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बल्कि मैं इससे बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। शायद आपका ये निर्णय कि मुझे इस भाषण को देने के लिए बुलाया गया एक तरह से सही भी है, और ये इसलिए कि मैं शाहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरे लिए वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति मेरी अपार श्रद्धा और स्नेह रहा है। मैं सोचता हूँ कि साहब हमारे जनरेशन के सर्वोच्च प्रतिभा संपन्न भारतीयों में से एक है। साहब के साथ के मेरे ताल्लुकात 1950 से शुरू हुए, जब हम दोनों पटना आकर कॉलेज में भर्ती हुए, शाहब साइंस कॉलेज में और मैं पटना कॉलेज में। हम दोनों ने अपने मास्टर्स की परीक्षा एक साथ समाप्त की 1956 में, लेकिन इंडियन और हम दोनों फॉरेन सर्विस में भी आए करीब करीब साथ ही साथ, लेकिन मैं फॉरेन सर्विस में उससे एक साल आगे इत्तेफाक से निकल गया, क्योंकि जब साहब ने अपने MSc की परीक्षा समाप्त किया तो उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और हमारे समय में विदेश सेवा में केवल 21 से 24 साल तक ही लोग परीक्षा दे सकते थे, उसकी उम्र 21 साल की नहीं हुई थी। इसलिए उसे एक साल इंतजार करना पड़ा और उसने 1957 में परीक्षा ली और 1958 में वो हमारी IFS में आया। IFS ज्वाइन करने में साहब को बहुत परेशानी हुई, उसका पुलिस रिपोर्ट खराब कर दिया गया था। उसमें केवल यही नहीं लिखा गया था कि वो उसने पटना पुलिस फायरिंग के बाद में चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि यह भी लिखा हुआ था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ, और ये आप गौर करें कि 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना एक गैरकानूनी माना जाता था। अब तो वो सरकार भी चला चुकी है और उसके साथ सरकार चलाने में गठबंधन भी हो चुके हैं, और भी लिखा गया कि वो बहुत बार पाकिस्तान आया जाया करता है। तो अंत में उसके पुलिस रिपोर्ट का क्लियरेंस मिला और वो क्लियरेंस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से हुआ, और हम लोगों को जहाँ तक उस समय की बात याद है उस फाइल में पंडित जी ने लिखा, आई रिगार्ड हिज एक्टिविटीज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ यूथफुल एक्टिवेंस एंड नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। शाह ने जहाँ कहीं भी अपने छात्र जीवन में
हम लोगों को एक और विषय पर सहयोग करने का मौका मिला और वो था पहली बार पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ स्थापित करने का। उसके पहले कभी भी छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय में हुआ नहीं था। हम लोगों ने इसके लिए फिर आंदोलन चलाया और इलेक्शन हुए और साहब फेडरेशन की तरफ से इलेक्शन जीता, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट ग्रुप था, और मैं यूथ सोशलिस्ट लीग की तरफ से इलेक्शन जीता, जो कि जेपी सोशलिस्ट मूवमेंट का सोशलिस्ट पार्टी का छात्र शाखा थी। हम लोग और उसमें मुझे साहब के ड्राफ्टिंग स्किल थी और उसके बोलने की पटुता का नज़दीकी से परिचय मिला। साहब हमारी भारतीय विदेश मैं हमीद अंसारी साहब अपना अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय सेवा प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है और साहब इनमें एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न अफसर था। उसने जितने ध्यान दिए सब में उसने टॉप किया, मैट्रिक में, आईएससी में, बीए ऑनर्स में वो सेकंड हुआ और एमएससी फिजिक्स में वो रिकॉर्ड मार्क से फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ है। और एक साल जब उसने इंतजार किया आईएसआईएफएस का इम्तिहान देने के लिए, उसने लॉ सेकंड पार्ट कर लिया, उसमें भी वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ। तो ये रिकॉर्ड बहुत ही एक बहुत ही प्रशंसा के लायक है। साहब को इस्लामिक थियोलॉजी का बहुत ही गहरा ज्ञान था और साइंस के विद्यार्थी होने के बावजूद भी उसे उर्दू साहित्य में बहुत गहराई से उसकी पैठ थी, बल्कि बिहार के जो नवोदित उर्दू शायर थे उन सब की कविताओं से वो परिचित था, उनसे व्यक्तिगत रूप में परिचित था और उनमें से कई लोगों के साथ उसने मेरा परिचय भी कराया। एक प्रश्न उठता है कि साहब ने आईएफएस को छोड़कर राजनीति में क्यों प्रवेश किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसको मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसे बहुत बड़े स्तर से उसके लिए कोशिश की गई, लेकिन मेरी समझ से और तथ्य के आधार पर ये सब बातें अफवाह गलत है। एक बिल्कुल सीधी साधी बात यह थी कि इस प्रकार की प्रतिभा और इस प्रकार सब तरह के गुणों से संपन्न व्यक्ति के लिए विदेश सेवा एक बहुत ही संकुचित स्पेस था और उसको एक लार्जर के स्पेस और एक वाइडर होराइजन में काम करने की स्वाभाविक लालसा था, जो कि किसी भी जीनियस को जो अपने जीनियस से सेल्फ कॉन्शियस है उसको होती है। और साहब ने केवल इसी कारण से राजनीति में प्रवेश किया। जब उसने अपनी चिट्ठी लिखी राजनीति में प्रवेश करने के लिए और उसको हम लोगों के बीच में सर्कुलेट किया, तो उसने उसके एक लाइन ये था कि व्हाइल आई एम स्टिल फायर लेफ्ट इन माय सोल एंड स्ट्रेंथ इन माय आर्म्स आई वुड लाइक टू डू व्हाटएवर आई कैन डू फॉर माय पीपल। और साहब ने इस क्षेत्र में आकर दिखा दिया कि वो क्या कर सकता था। एक सफलता के लोकप्रिय मापदंड पर ये कहना मुश्किल है कि साहब राजनीति में सफल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से राजनीति में आके उसने मुसलमान समुदाय की सेवा में अपने को लगाया उसको मैं एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ।
लोग कहते हैं कि ये फेडरेशन से चुनाव लड़ने वाला विद्यार्थी और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के अंदर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किस प्रकार, जिसे कि सारे मजदूरों और प्रोलेटेरियट के लिए काम करना चाहिए था, केवल अपने देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी, वो क्यों मुसलमानों के हित के लिए ही काम करने में संलग्न हो गया। लेकिन इसका जवाब स्पष्ट है कि शाह में प्रतिभा थी और प्रतिभा संपन्न लोगों को लीडरशिप देने की आवश्यकता थी और इस कारण से वो उसने इस पर अपना ध्यान दिया और उसने जो कुछ किया वो आप सबों के सामने जाहिर है। वो स्वाभाविक रूप में मुसलमानों ने उसे अपना नेता चुना, उन्हें उसे कई संस्थाओं के पद पर वो आसीन हुआ और एक IFS का पैराशूटर अचानक मुसलमान राजनीति में आकर के इतने बड़े बड़े स्थान पर पहुंच जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसके बाद साहब का सबसे बड़ा योगदान उसकी पत्रिका मुस्लिम इंडिया की। उसने मुझसे एक बार कहा था कि मैं एक रिटायर्ड फॉरेन सर्विस अफसर के रूप में मुझे लोग स्मरण करें ये लालसा नहीं है, न तो मुझे यह लालसा है एक एक्स MP के रूप में लोग मुझे याद करें, मुझे ये लालसा है कि लोग मुझे मुस्लिम इंडिया के एडिटर के रूप में याद करें। विदेश सेवा में साहब जब राजनीति में आया तो उसके पॉकेट में कोई शिक्षा नहीं थी, उसके उसको कोई वादे नहीं दिए गए थे। वो वकालत में वो प्रवेश किया और कुछ सप्ताह के अंदर उसने एक अच्छी खासी वकालत जमा ली, जिसका आधार पर वो अपना और अपने परिवार का अपने बहुत सादगी वाले जीवन के साथ गुजारा कर सकता था। और बाद में जो कुछ भी की उसने अपनी चेष्टा से की, अपने सिलेक्शन लड़ा, अपने से MP हुआ, फिर अपने सिलेक्शन लड़ा, MP नहीं बन सका, लेकिन सब में उसकी उसका लगन और उसकी चेष्टा एक प्रमुख बात थी। विदेश सेवा में साहब ने जो कुछ भी असाइनमेंट मिला उसको उसने बखूबी निभाया। जब वो वेनेजुएला में भारत का चार्जी अफेयर था, उसमें बांग्लादेश के स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ा और साहब ने पूरे लैटिन अमेरिका में बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में जो वहाँ के जनता को वहाँ के अखबारों को प्रभावित किया वो एक बहुत बेजोड़ बात थी। वहाँ के अखबारों ने लिखा कि ये बांग्लादेश का एक सिंगल मेंबर एम्बेसडर है और उसके देहांत के दो साल पहले शायद एक साल पहले बांग्लादेश की सरकार ने उसको एक स्क्रोल ऑफ ऑनर भी प्रदान किया इसे इस कंट्रीब्यूशन के चलते। किशनगंज कंस्टिट्यूंसी में आने के बाद साहब ने जो सेवा की मुस्लिम समुदाय के लिए वो प्रशंसनीय था और आवश्यक था, क्योंकि ये सही बात है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की दीर्घकालीन उपेक्षा होती आ रही है और जब से हम आज़ाद हुए हैं तभी से शायद हमारे देश में सेकुलरिज्म का अंतिम मसीहा जवाहरलाल नेहरू था। इसके बाद सेकुलरिज्म एक हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए एक नारा बन गया, उनके प्रोग्राम में कहीं नहीं आया, उन्होंने कहीं कुछ किया नहीं इसके लिए।
और इसीलिए ये और भी आवश्यक हो गया कि साहब इस क्षेत्र में काम करें, और मैं सोचता हूँ कि ये उचित समय है जबकि मैं अब अपने विषय वस्तु में प्रवेश करूँ। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे व्यक्तित्व का विषय वस्तु है क्या भारत में कितने किस हद तक भारत एक समावेशी समाज है, हाउ इंक्लूसिव इज इंडियन डेवलपमेंट। इसमें विशेष प्रकाश डालने के पहले मैं एक दो पारिभाषिक मसलों को सुलझाना चाहता हूँ। आप माफ करेंगे हमारी पूरी स्पीच पब्लिक स्पीच नहीं होगी, पूरी आदत हो चुकी है यूनिवर्सिटी में 8 साल तक पढ़ाते हुए, इसलिए उसका कुछ असर आप पाएंगे मेरी स्पीच में। पहला तो यह है कि इंक्लूजन शब्द में आर्थिक और सामाजिक दोनों पक्ष बहुत शोध हुए हैं, बहुत तक सामने आए हैं। सामाजिक पक्ष का एहसास किया गया है, बहुत कुछ रिसर्च नहीं हो पाए हैं, बहुत कुछ लिखे नहीं गए। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ प्रो पुअर ग्रोथ के साथ इसको लोग कंफ्यूज करते हैं। यह बात सही है कि गरीबी हटाना इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ केवल गरीबी हटाने तक ही सीमित नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा मकसद है असमानता को हटाना, और असमानता को हटाना गरीबी को हटाने से हजारों गुना दुष्कर और मुश्किल काम है, और इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में और प्रकाश डालूंगा। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बीच में फर्क है। इंक्लूसिव ग्रोथ केवल विकास दर की तरफ इंगित करता है, केवल आय व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आय की तरफ इंगित करता है, जबकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक बृहत्तर कॉन्सेप्ट है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सामाजिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक क्षेत्रों में मूलभूत सुधार की आवश्यकता होती है। वो गरीब और वो हाशिए पर जो लोग पड़े हुए हैं उनकी अवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता होती है। और भारत के संबंध में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अल्पसंख्यक और औरतों के लिए क्या किया जाता है, ये बात आती है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज कंपेयर टू इंक्लूसिव ग्रोथ। अर्थशास्त्र में एक बहुत पुराने जमाने से चली आई हुई विचारधारा है, और वो ये है कि क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ हो, असमानता को क्यों दूर किया जाए, क्योंकि असमानता से विकास में बल मिलता है। असमानता के चलते जो धनी लोग हैं उनको उनकी प्रोपेंसिटी टू सेव वो पूंजी बताते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अपनी आमदनी को खाने पीने में खर्च करते हैं। तो अगर पूंजी नहीं है तो विकास नहीं है, और पूंजी तब होगी इस अर्थशास्त्र के नियम के मुताबिक जबकि असमानता हो। एक बहुत पुराना ख्याल है इकोनॉमिक्स में, और आपको तजुर्ब होगा कि 3/4 इकोनॉमिस्ट दुनिया में अभी भी इसके ऊपर विश्वास करते हैं, और जो लोग नहीं विश्वास करते हैं उनको एक तरह से आउटकास्ट माना जाता है। लेकिन हाल की घटनाओं से ये विचारधारा बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है।
ये देखा गया है कि दुनिया में जो सही चीज का अभाव है वो पूंजी का नहीं है, अनेक अन्य चीजों का अभाव है। अगर आपको और अगर आपको पूंजी भी इकट्ठा करना हो तो असमानता के आधार पर नहीं करना, अनेक उपाय और हैं जिससे आप पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है टैक्स, टैक्सेशन सिस्टम। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अभी हाल में IMF और वर्ल्ड बैंक के कुछ अध्ययन हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि जो 2008 और 9 में विश्व आर्थिक और फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसका मुख्य कारण था विकसित देशों में मांग का अभाव, पॉजिटिव ऑफ डिमांड, और ये पॉजिटिव ऑफ डिमांड का मुख्य कारण असमानता है। वहां पर धनी और गरीबों के बीच में उतना अंतर नहीं है, और जो सेविंग्स होती है पूरा समाज करता है, और अगर समाज के बहुत बड़े हिस्से को आप बाहर रख दें तो जो सेविंग होने वाली है वो नहीं होगी, और इसी कारण से उस समाज में डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है। ये 2008 की घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि जहां कहीं भी असमानता है वहां में वहां आर्थिक स्थिरता नहीं, वहां साइकिल होते हैं, इकोनॉमिक साइकिल चढ़ाव और उतार का वो बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, और इसका कारण भी वही है कि बीच बीच में मांग का अभाव हो जाता है। इसलिए ये धारणा भ्रामक और गलत है। जो लोग भी इसमें एकेडमिक रूप में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं हाल ही में स्टिग्लिस द्वारा प्रकाशित इसी विषय पर लिखे गए एक निबंध की तरफ आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। उदारीकरण और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन से ज्यादा संसार सोशल एक्सक्लूजन, और सोशल एक्सक्लूजन अनेक कारणों से होता है, और भारत के संदर्भ में यह कास्ट सिस्टम इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल एक्सक्लूजन अपमानजनक है और किसी भी व्यक्ति को ये निरस्त करती है, डिजेबल करती है समाज में। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने प्रसिद्ध निबंध में का टाइटल दिया था जनरेशन ऑफ द कास्ट। ये निबंध अभी भी बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रमुख है, और अभी भी इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, होती है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के जमाने में बाजार लोगों को समाज से अलग करता है। एक बहुत बड़े अंश को बहिष्कृत करता है। आप कहते होंगे कि अरे बाजार में तो लोग आते हैं शामिल होने के लिए बाहर से, वो बहिष्कृत कैसे करेगा? लेकिन बहिष्कार जो बाजार करता है लोगों को, इसका मुख्य कारण है बाजार की विकृतियां, इम्परफेक्शन ऑफ द मार्केट। और आप जानते हैं कि बाजार में विकृतियां जायज हैं और परफेक्शन केवल इकोनॉमिस्ट के मॉडल में है। तो मार्केट एक्सक्लूड्स ऑन मास, इट एक्सक्लूड्स पीपल कटिंग अक्रॉस ऑल क्लासेस, और इट एक्सक्लूड्स अबव ऑल द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। जो गरीब है और जो हाशिए पर है उसको सबसे ज्यादा वो बहिष्कृत करता है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा एक इतिहास में की ओर नजर डालते हुए कि भारत के विकास के लिए भारत की आजादी के पहले जो स्वप्न देखे गए थे उन सबों में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था, और अब सबसे अर्लीस्ट प्लान जो था वो विश्वेश्वरैया का प्लान था। आपको याद होगा बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया, जिनको की भारत रत्न की उपाधि मिली थी,
उन्होंने अपनी एक किताब लिखी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया और उसमें शिक्षा को भारत के पुनर्निर्माण का केंद्र बिंदु माना। बॉम्बे प्लान जिसे कि कुछ उद्योगपतियों ने बनाया था भारत की आजादी के पहले, उसमें भी शिक्षा के ऊपर बहुत ही जोर था। यद्यपि महलनवीस मॉडल जिसके आधार पर हमारा सेकेंड फाइवर प्लान आधारित था और बाद में दूसरे प्लान बने और जिसका कि पूरा सपोर्ट पंडित जी का था, उसमें शिक्षा उसके उद्देश्यों में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई है, क्योंकि पंडित जी प्रायः अपने भाषणों में शिक्षा के ऊपर बहुत डालते थे। लेकिन ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद, और मैं इसमें अपने बहुत आदरणीय नेताओं को शामिल करूँगा पंडित जी को भी, ये शिक्षा के उद्देश्य को दरकिनार कर दिया, उसको वो प्राथमिकता न मिली जो कि आज़ादी के पहले की योजनाओं में मिला था। और नतीजा ये हुआ कि भारत के आज़ाद होने के 8-10 के साल के अंदर सारे सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी में शिक्षा यूनिवर्सलाइज हो गया और सारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में शिक्षा यूनिवर्सलाइज हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में ये दरकिनार हो रहा है। और आज हम जिस आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा में हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है। हमारे इसका कारण ये था कि जो प्लानिंग शुरू हुआ हमारी बुक में, वो प्लानिंग जिन इकोनॉमिस्ट ने किया, उन्होंने दूसरे सिद्धांतों के ऊपर जोर डाला। पहले तो उन्होंने ग्रोथ के ऊपर जोर डाला, सब चीजों के लिए कीमत पर ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि विशेष सुनैया की ये का इरादा ये नहीं था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले तो गरीबी हटाना भी नहीं, बाद में गरीबी हटाने की बात, लेकिन कभी भी असमानता को हटाना एक हमारे प्लानिंग प्रोसेस के केंद्र बिंदु में नहीं आया, नहीं आया है और अब तक नहीं आया। और इसका मैं आपको विश्लेषण करूंगा कुछ मिनटों में अपने स्पीच को खत्म करने के ठीक पहले। हमने असमानता के ऊपर उनका कभी भी तवज्जो नहीं हुआ। असमानता पूंजी इकट्ठा करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का भारत में उसे समाज बनाने का जो सपना था, उसका सबसे व्यापक रूप में हमारे संविधान में परिलक्षित हुआ। और आज जब कोई कहता है कि संविधान का सही रूप में पालन होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि कोई लीगल बात नहीं कर रहा है, वो कोई एक्सट्रीम पॉलिटिकल बात कर रहा है। आज के हिंदुस्तान के संदर्भ में ऐसा लगता है। संविधान की दुहाई देना एक रिपीलियन माना जाता है, एक तरह का बढ़वा है। ये स्थिति में हमारा हो चुका है। मैं केवल आपका ध्यान इस संबंध में संविधान के प्रीएम्बल की तरफ आकृष्ट करूंगा। 14, 15, 16 और सबसे 21 राइट टू लाइफ, और किस प्रकार राइट टू लाइफ का एक सृजनात्मक रूप से उसकी व्याख्या करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसका दायरा बेहतर बना। और अब हमारे राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एक्सेस टू हेल्थ सर्विस है, राइट टू फूड है, राइट टू लाइवलीहुड है, और ये सब उसमें आ गया है। लेकिन इसका कार्यान्वयन बहुत सीमित ढंग से हुआ है। और आज जैसा कि मैंने कहा कि इसका जिक्र करना भी एक तरह से एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम समझा जाता है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मुद्दों पर, कुछ मानदंड पर हम किस हद तक इंक्लूसिव सोसाइटी बन सके या नहीं बन सके, और मैं इसमें दो चीजों के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। एक है किस हद तक हम गरीबी को हटा सके हैं, जो मैं कह चुका हूं कि वो पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन गरीबी को हटाने से ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट इंक्लूसिव होता है, पूरी रूप में नहीं होता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का 20 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का जो मानदंड था, और जहां मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी इसके तरह से बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और मुझे लगता है कि कहीं मैं गलती नहीं कर बैठा हूँ उनकी उपस्थिति में, तो उसमें जब 2004-05 में कहा गया कि हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग 49% से घट के 36% हुए, ये मोटे कमलवालिया के का एक पेपर था, इसमें के परिवार कहा गया, और बाद में फिर कहा गया जब ठीक दूसरा प्लान बना, ये 36% से लेके 22% हो गया, इसका बहुत क्रिटिकली आ गया, कहाँ 49% कहाँ 22%। लेकिन उसी सरकार ने अपने एक एक्सपर्ट कमेटी, जो कि इस विषय को और अच्छी तरह से जानती थी, सुरेश तेंदुलकर को बुलाया और कहा कि आप इसको फिर से गौर कीजिए और बताइए। तो सुरेश तेंदुलकर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और मैंने जो ले डाउन किए थे सिद्धांत गरीबी रेखा का, उसको रिवाइज करके अगर उसको देखा जाए तो इसमें ऐसी प्रगति नहीं हुई है, और अभी भी करीब 40-41% तक लोग गरीबी रेखा पर है। बाद में अतुल सर गुप्ता की कमेटी गठित हुआ 2-3 साल बाद, और उसने उस परिभाषा को थोड़ा सा एक्सपेंड कहा, उसने कहा कि $1 वर्ल्ड बैंक का है, और वर्ल्ड बैंक खुद उसको रिवाइज 1.5 कर रहा है, और अगर आप उसको $2 का दें, क्योंकि $2 वाले भी काफी बुरी हालत में है, तो एक वो संख्या जो होगी वो 77% का, इस परसेंटेज से देश में ताकत होगी। अरे भाई, भारत में 77% जो गरीब रेखा के नीचे, और अर्जुन संघता कमेटी ने एक एक्सट्रीमली पुअर एंड वल्नरेबल की कैटेगरी बनाई, और एक पुअर एंड मार्जिनली पुअर की कैटेगरी बनाई, और कहा कि उनके आंकड़ों के मुताबिक जो दूसरा तबका है वो 77% है, और पहला तबका जो है वो 36% है। तो ये गरीबी के हटाने में आप देखेंगे कि कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी प्रगति हुई है। अब मैं यहाँ पर एक भारत के आर्थिक विकास की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, और वो कहानी आप लोग सब परिचित हैं, लेकिन हाल की घटनाओं को उस पृष्ठभूमि में देखने में अधिक स्पष्ट चीजें मालूम होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के पहले हिंदुस्तान में आर्थिक प्रगति नहीं हो रही थी, हमारी आर्थिक व्यवस्था स्टैग्नेंट थी, जहां की तहां खड़ी थी, लोगों की हालत दयनीय थी, किस्मत, और हर 10-15 साल पर एक ने एक अकाल होता था, और हर अकाल में हजारों लोगों की मृत्यु होती थी, और किसी किसी में तो लाखों हो। इसके बाद हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद हमने योजनाबद्ध रूप में विकास करना शुरू किया, और
फिर हमारे तीन चार बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हुई और वो एक ये थी कि हमने एक औद्योगिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी बुनियाद रचा। दूसरी बात ये थी कि हमने अनेक संस्थाएं बनाई जिनका कि एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म विकास के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और बहुत विद्वान आदमी कहते हैं कि भारत में बाद में जो विकास हुआ है उसके लिए ये बहुत आवश्यक रहा है। और तीसरी बात की कि एक मिडिल क्लास लेवल पर, पुअर और मार्जिनल नहीं, मिडिल क्लास के लेवल पर स्किल्ड मैन पावर जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव थी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नंबर में वो काफ़ी जारी थी। ये तीन हमारी उपलब्धि हुई, लेकिन विकास दर बहुत धीमा रहा और 3-4%, जिसे कि लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इसके बाद फिर दारिद्र्यकरण देश में आया और 1980 के दशक में 5.1% पर एनम थोड़ी टिके और 90 में हमने फुल प्रोजेक्ट उदारीकरण किया और इसके बाद हमारी विकास का दर और भी काफ़ी बढ़ा और वो 9% तक पहुंच गया। तो ये हमारी, लेकिन ये देखा गया कि हाई ग्रोथ के पीरियड में जबकि गरीबी को हटाने में एक बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ ऐसी बात ही है, मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ, असमानता बढ़ी और काफ़ी भीषण रूप में बढ़ी। और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पर बात करूँगा, मैं आपको एक अभी हाल का एक निबंध देखा है, आप जैसे सुना होगा कि एक फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट ने करीब हजारों सैकड़ों साल के आंकड़ों को लेकर के दुनिया में असमानता के बढ़ने के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी है आज से 3-4 साल पहले, उनका नाम है टॉमस पिकेटी। और अभी हाल में टॉमस पिकेटी ने भारत में जो असमानता है उसके बारे में एक निबंध लिखा जो कि जुलाई 1917 में प्रकाशित हुआ है। तो भारत की असमानता के बारे में टॉमस पिकेटी का जो ये अध्ययन है वो क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको 3-4 आंकड़े में उनका कोट करना चाहता हूँ। और वो है, पहला तो उन्होंने ये कहा है कि आज़ादी के पहले भारत में असमानता कम थी 1940 में, आज़ादी के बाद 50-80 तक भारत में असमानता और भी कम है और जिसका मुख्य कारण था सरकार द्वारा इकोनॉमी को संचालित करना और उन्होंने सारे मेजर्स बताए हैं जो लिए गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हाई ग्रोथ रेट के पीरियड में असमानता बढ़ी है और वो पूरी तरह से बढ़ी है और उसके उन्होंने कुछ नमूने दिए हैं जिसका कि मैं आपको कोट करता हूँ। वो ये है कि टॉप 1% धन कमाने वाले जो लोग थे उन्हें राष्ट्रीय आय के हिस्से में बहुत वृद्धि हुई, उनके हिस्से में जो राष्ट्रीय आय का था वो बहुत वृद्धि हुई और वो 1980 में 6% राष्ट्रीय आय टॉप 1% को था, 1912 में वो 22% हो गया। यानी टॉप 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ इंडिया जनसंख्या, 1% जनसंख्या वाला आदमी, कमाने वाला आदमी, सबसे अधिक कमाने वाला आदमी राष्ट्रीय आय का 22% आय को प्राप्त रहा है। इसके बाद टॉप 0.1% के इनकम
12% रहा 1912 में, और इसके बाद उन्होंने बेल्ट के बारे में कहा कि ठीक है का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने अपनी वो बड़ी किताब में केवल इनकम की असमानता के बारे में ही 200 साल की स्टैटिस्टिक्स का 200 मुल्कों का उसका आधार पर उन्होंने अपना शोध नहीं किया बल्कि इनकम के अलावे वेल्थ का किया और कहा कि वेल्थ भी बढ़ा और वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ा है। तो भारत में जो वेल्थ बढ़ा है उसका उनका फिगर देखिए वो ये है कि धनी इंडियन जो कि फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिच इंडियन में थे उन्हें राष्ट्रीय आय का हिस्सा में 2% से 27% का हिस्सा उनका रहा 2% से बढ़कर 27% हुआ और बिलियनर की संख्या किस संख्या में कि पूरे देश में कितने बिलियनर हैं उस पर भारत ने बड़े गौरव के साथ कहा कि हमारा स्थान दुनिया में चौथा तो ये हमारे पिकेटी साहब की लेटेस्ट स्टडी के कुछ चीजों को मैं बताता हूँ और मैं आपको अब आंकड़ों से बोर नहीं करूंगा काफी समय हो चला है कुछ बातें कहनी चाहिए जो कि आम धारणा की बात हो और ये राष्ट्र उदारीकरण के बाद जो राष्ट्रीय आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई उसका लोगों के जीवन स्तर विभिन्न असर हुआ। सबसे अधिक ज्यादा फायदा उनको हुआ जिनका जीवन स्तर पहले से ही ऊंचा था जो शिक्षित थे जो स्किल्ड थे। सबसे ज्यादा लाभ उनको भी हुआ जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे और जिनका इनिशियल कंडीशन जब उन्होंने बाजार में प्रवेश किया तो उनकी इनिशियल कंडीशन बुरी नहीं थी और सबसे ज्यादा सफर उन्होंने किया जो अशिक्षित थे जो स्किल्ड नहीं थे और जिनके इनिशियल कंडीशंस खराब थे। इनिशियल कंडीशन खराब होने का सिंपल मीनिंग है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी या मुसलमान थे तो ये स्थिति थी। और अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जिसके लिए कुछ आंकड़े जरूरी होंगे बाद में मैं उसे समाप्त करूंगा और वो ये है कि आप जानते हैं कि भारत में पिछले 3 साल से एक कृत्रिम और बनावटी राष्ट्रभक्ति की भावना की धारा बह चली है और इस धारा में सब तरह की चीजें बह जाती हैं चाहे वो तर्क हो या वितर्क हो चाहे वो सत्य हो या असत्य हो। और एक चीज जो हम बराबर सुनते आ रहे हैं पिछले 3 साल से वो ये है कि हमने चीन को किस तरह से पछाड़ दिया है रेट ऑफ ग्रोथ में और हिंदुस्तान अब हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ का पॉइंट बन गया। लेकिन भाई साहब ये बात यह है कि आप तुलना किसके बीच में कर रहे हैं। रेट ऑफ ग्रोथ अगर चीन का 6.5% है इसके बाद जबकि चीन की राष्ट्रीय आय भारत की राष्ट्रीय आय से 4 गुना हो चुकी है। इसके बाद जबकि चीन ने लगातार 25 साल तक 10% रेट ऑफ ग्रोथ किया। इसके बाद जबकि चीन ने निर्णय किया कि वो अपने देश को जनता को अधिक कंजम्पशन बूस्ट देने के लिए अपने ओवर इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए खुद रेट ऑफ ग्रोथ को कम करेगा तो वो और आपने उसे 0.2% बढ़ा लिया
वो महत्वपूर्ण है या वो कि चीन ने गरीबी हटाने में क्या किया, असमानता हटाने में क्या किया, सोशल इंडिकेटर्स में वो कहा है, और इसको अगर आप मापिए तो हम चीन के पास भी नहीं पटक सकते। 1910 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 30% स्थान था, उनसे वो इंडेक्स होता है उसमें, उस इंडेक्स में हमसे वो 30% आगे बढ़े हुए थे। जहाँ तक कि गरीबी हटाने का है, उनका पहले 20 साल के विकास में गरीबी घट के 7-8% हो गई है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और उससे बहुत ज़्यादा कभी बढ़ी नहीं है। जहाँ तक कि असमानता हटाने का सवाल है, माओ के उन्होंने एक प्री कंडीशन स्थापित किया असमानता हटाने का और आर्थिक लाभ उठाने का। अब वो प्री कंडीशन पहला था माओ के कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के समाप्त होने के साथ साथ चीन में पूरा लैंड रिफॉर्म समाप्त हुआ। 1976 में रिफॉर्म शुरू करने के पहले वहाँ के कुछ बड़े इलाकों में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो चुका था, और कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के साथ साथ वहाँ शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका था। और अब थोड़ी सी उलट फेर हाथ हो रहा है, तो ये तुलना तो इस बात की होती है, तुलना उसकी नहीं होनी चाहिए। आज हमारी स्थिति यह है कि दुनिया में सबसे अधिक तादाद में मालनरिश्ड बच्चे हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे अधिक तादाद में जो श्रम बच्चे हैं चाहे लेबर, वो हिंदुस्तान में, दुनिया में माल न्यूट्रिशन से जो लोग मरते हैं उसका 1/4 हिंदुस्तान में। तो ये हमारी सामाजिक एक्सक्लूजन के कुछ उदाहरण हैं जो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको बता दूँ, इसके पहले कि मैं अपने स्पीच के समाप्ति के हिस्से में प्रवेश करूँ। अब ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो हाई ग्रोथ रेट हुआ वो विकास प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विशेष में किया गया, और आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो हुआ वो करीब करीब 4 या 5 गुना ज़्यादा हुआ, और उसी प्रपोर्शन में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हुआ। प्राइवेट सेक्टर का द्वारा लाया गया विकास एक रेंट रेंटियर इनकम पर आधारित, यानी कि फोकट में पैसा कमाए गए पैसे पर आधारित। और वो फोकट का पैसा कैसे मिला, वो फोकट का पैसा मिला पब्लिक इंटरप्राइज के इस इन्वेस्टमेंट में, उनको एंटरप्राइज करना जितनी बाजार में कीमत है उससे बहुत कम कीमत में बेचना, और दूसरा ये था कि बहुत सस्ते में उनको जमीन देना, और इतना जमीन देना जिसकी 1/4 की ही उनको जरूरत, यानी बाकी की 1/4 को अपने रेंटियर इनकम के लिए दिया, वो घर में पैसे कमाने के लिए। और आज जो प्राइवेट सेक्टर सरकार की हजारों इंसेंटिव के बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसका कारण ये है कि वो पॉकेट में कमाए गए पैसे में खलल पहुंच रहा है, क्योंकि जनता में इसके ऊपर आंदोलन हुआ, सारे देश में इसके ऊपर हलचल मच गई, और सरकार बाध्य है कि उस नीति में को परिवर्तित करें। और एक कारण जो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं इंसेंटिव में और खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कारण ये भी है कि रेंटियर इनकम प्राप्त करने की संभावनाओं बहुत ही संकुचित और संकीर्ण हो गई है। तो ये बात है। अब मैं दो चीजें
हुकूमत करना चाहता हूँ। पहला कि इंक्लूजन क्यों जरूरी है, भारत जैसे समाज के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ की आवश्यकता क्यों है। बहुत लोग कहते हैं कि वाई इंक्लूजन, वी आर गोइंग वेरी फास्ट, सो लेट्स ग्रो विथ द करंट इनइक्वालिटी। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंक्लूजन न केवल विकास की गति को बढ़ाने और उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए है, न केवल लोगों के कष्ट को के निवारण के लिए है, बल्कि राष्ट्र को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इंक्लूजन का। भारत की परिभाषा इसकी विविधता है, और इंक्लूजन के बिना राष्ट्र को एकबद्ध बनाए रखना मुश्किल है, प्रजातंत्र के संस्थाओं को बचाना मुश्किल है। और इसके लिए अब लास्ट में तीन चार मिनट इंक्लूजन के लिए क्या किया, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मुझे एक और लेक्चर देना पड़ेगा, और आप लोग जो संस्थाओं के मालिक हैं वो सोचो मुझे बुलाने के लिए एक और लेक्चर देंगे। लेकिन मैं फिर भी कुछ कहना चाहूँगा, और वो यह है कि वर्तमान कॉर्पोरेट लेट ग्रोथ कॉरपोरेशन की मदद से विकास करना और कॉरपोरेशन के हितों के लिए विकास करना, इसे मैं कॉर्पोरेट लेट ग्रोथ कहता हूँ, जो कि यूपीए सरकार ने शुरू किया और जो कि वर्तमान सरकार और भी जोश खरोश के साथ जिसको अमल में आ रही है, उससे हमें इंक्लूसिव सोसाइटी कभी कभी न मिला है, न भूतों न भविष्य न मिला है और न भविष्य में मिलेगा, कोई संभावना नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के लिए एक विकल्प की जरूरत है, और यह मत कहिए कि मैं मोदी जी के पॉलिसी का एक विकल्प सजेस्ट कर रहा हूँ। मोदी जी के पॉलिसी मेरे जवाब यह था बिल्कुल नहीं है, मैं ये विकल्प एक स्वतंत्र रूप से आपके सामने कह रहा हूँ, और वो विकल्प बहुत सादा है, और वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक वैकल्पिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ सत्ता में आना चाहती है, वो एक दो सूत्री मैनिफेस्टो अनाउंस करे, केवल दो सूत्री, दो पॉइंट, नथिंग। और वो दो पॉइंट क्यों है, शिक्षा वर्षों इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को 5 वर्षों के अंदर यूनिवर्सलाइज किया जाए, और एक एफिशिएंट प्राइमरी हेल्थ केयर को पूरे देश में जनता के हर कोने कोने में जमीन पर खड़ा किया जाए। इन दोनों के लिए जितने धन की आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए आवश्यक संस्थाओं को पुनर्जीवित किया जाए और नई संस्थाओं का निर्माण किया जाए। जो संस्थाएं आज़ादी के बाद बनी थी वो ध्वस्त हो गई है, और उसके स्थान पर सरकार के निगरानी के सरकार के सपोर्ट के बिना, और उसके स्थान पर प्राइवेट सेक्टर ने कोई संस्था नहीं बनाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक काम नए संस्था बनाना। और बहुत तादाद में लोगों को शामिल किया जाए उनके अमल में लाने के लिए, इसके लिए मजबूत मोबिलाइजेशन की जरूरत है, इसके ऊपर अलग से एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए, और ये सारे के सारे काम पब्लिक फंड से हो और सरकार के द्वारा संचालित हो। इस तरह प्राइवेट सेक्टर की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अपना इस क्षेत्र में चैरिटी का काम करते रहे,
इससे उनके पाप दुनिया में संतुलन स्थापित होगा, लेकिन कोई अमूल परिवर्तन समाज में नहीं होगा, न हुआ और न होगा। दुनिया में जितने राष्ट्र विकसित हुए हैं वहां सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को साबित या व्यवस्थाइज किया गया है। जहां नहीं हुआ है वहां सोशल एक्सक्लूजन ने भयंकर रूप धारण कर लिया है और राष्ट्र के भविष्य और सर्वाइवल के ऊपर खतरा डाली हुई है। अगर इस टू पॉइंट मैनिफेस्टो में अगर आप मुझे बहुत ये बात करें कि कुछ और जोड़ो तो मैं दो और जोड़ूंगा, तो मेरा ये टू प्लस टू पॉइंट मिला, फोर टू पॉइंट नहीं टू प्लस टू पॉइंट। और वो दूसरा दो पॉइंट यह होगा कि भारत में जिन लोगों को जाति भेद के कारण, धर्म भेद के कारण और आर्थिक एसेट में पहुंच न होने के कारण जो प्रारंभिक बाधाएं हैं, इनिशियल हैंडीकैप्स, उसको दूर करने के लिए एक 5 वर्षीय योजना है और उसका एक हाईएस्ट लेवल पर उसको मॉनिटर किया है। उसके लिए कमीशन बने जो कि फुल एम्पावर्ड है। आप ऐसे ग्रो नहीं कर सकते जैसे कि आपने 50-60 साल के मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को ग्रो किया, आप इसे करते नहीं जा सकते। जैसे कि आपने ट्राइबल्स को और शेड्यूल कास्ट को किया, आप इसे करते नहीं जा सकते। किस गवर्नमेंट में आप हैं? तो इसीलिए एक 5 साल की एक योजना बने, इसके लिए कमीशन स्थापित हो। और दूसरा ये है कि आप पंचायती राज के संस्थाओं को सारे संसाधन प्रदान कर जल्दी से जल्दी सशक्त और कारगर बनाने की चेष्टा। दुर्भाग्यवश भारत में पंचायती राज की संस्थाएं हमारे राजनीतिक नेताओं के जो फेवरेट अलग अलग स्कीम है उसके चलते कमजोर हो रही है, निशस्त हो रही है, निरस्त हो रही है। और मैं कहना चाहूँगा बोलेआम उनमें से एक बड़ा स्कीम जो कि पंचायती राज को बढ़ावा डालता है वो है MLA और MP डेवलपमेंट फंड। कोई एक प्लान जो है सो एक जगह होता है, प्लान सब जगह नहीं हो सकता, और सब जगह अगर होता है तो कभी भी कारगर नहीं हो सकता। एक कोई चीज होगा कुछ चीज नहीं होगा इसी को बन। तो ये 2+2.2 प्रोग्राम को लाने में न तो भारतीय और न विदेशी कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई योगदान हो सकता है, इसमें विदेशी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। ये पूर्णतः अपने ताकत से, अपने सूझबूझ से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी संगठन शक्ति से और अपने संसाधन से हो सकता है। दुनिया के सब राष्ट्रों ने इसको करके दिखाया। डेनमार्क ने एजुकेशन के व्यवसाय के लिए जापान से मदद नहीं मांगी जैसा कि हम करते हैं, और स्वास्थ्य को रिवर्सलाइज करने के लिए नॉर्वे ने अमेरिका से मदद नहीं मांगा। नॉर्वे खुद एक नमूना है दुनिया में कि कैसे स्वास्थ्य को रिवर्सलाइज किया जा सकता है। इसीलिए भाई और बहनों इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई रोल नहीं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली हमारे मैनिफेस्टो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विरोधाभास। आखिरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके कीमत पर बना है और वो गरीब जनता और पिछले वर्गों की कीमत पर। जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा तत्व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है कि फिस्कल डेफिसिट कम करो, और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए बजट में कटौती करो, और बजट में कटौती करो स्वास्थ्य में करो, शिक्षा में करो, संस्थाओं को खत्म होने दो, लोगों को सरकारी अस्पतालों में जाकर के इतना खराब कर दिया दशा हो जाए कि वो वहाँ जाए ही नहीं और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इंजेक्शन। तो हमें क्या जरूरत है इस प्रकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? और मैं एक खाली बात नहीं कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि 2015-16 के बजट में
जेटली साहब ने फिजिकल डेफिसिट को टारगेट पर रखने के लिए ICTS जो कि बच्चों के लिए एक मात्र प्रोग्राम है, और ICT हम हिंदुस्तानी अपने बच्चों के प्रति जितने क्रूर हैं, दुनिया का कोई भी देश उतना क्रूर नहीं है। तो उस ICTS के बजट को 49% काट दिया, मिड डे मील को 29% काट दिया, और SSA एलोकेशन को 22% कर दिया, और अगले दो साल के बजट में 2016-17 और 2017-18 में जो कुछ भी थोड़ा बहुत रिस्टोर किया गया है, अब तक वो पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंच चुका। मैं फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके हमिद अंसारी साहब को, जिन्होंने की मेरी इस वक्तित्व में अध्यक्षता करके मुझे बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है, और श्री नीतीश कुमार जी को जिन्होंने अपनी उपस्थिति से मुझको बहुत उत्साहित और प्रेरित किया। धन्यवाद।